थी, लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया और आज आप सामने देख रहे हैं। आज हमने कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। भोपाल वासियों को तो फायदा होगा ही, इंदौर के बारे में इंदौर में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे। अभी भोपाल में चलेगी, फिर मंडीदीप तक बढ़ाएंगे और इधर बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर ले जाएंगे। जनता को अधिकतम सुविधाएं देना, मेट्रो से आवागमन का समय बहुत बचेगा और आरामदायक सफर होगा। दोनों प्रोजेक्ट पर इंदौर भोपाल के मिलाकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। हम तेजी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अब हमारे दोनों शहर भोपाल और इंदौर अब मेट्रो रेल सिटी भी होंगे। कल के कार्यक्रम का मैं और जिक्र करूंगा, मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। बरसों से जो अवैध कॉलोनी का दंश भुगत रहे थे, उन अवैध कॉलोनियों को वैध करके 35 लाख लोगों की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाव सारे विकास के काम संपन्न हो सकेंगे, सारी सुविधाएं मेरे भाई और बहनों को मिल सकेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब मुख्य मंच पर यहां पधारेंगे और यहाँ बैठे हुए समस्त शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से वे रूबरू होंगे। बिना किसी औपचारिकता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी बात कहने के लिए आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। पीएस अर्बन डेवलपमेंट मनी नीरज मंडलोई जी और एमडी